नमस्कार दर्शकों, मैं कुरे सुनिया इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल जीरो फ्रेश शॉप पे, जो कि एक नोटिस निकला था 14 दिसंबर 2023 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के तरफ से। तो अभी जितने भी राशन कार्ड का होल्डर है वो सबको KYC कराना है, तो बहुत सारा पब्लिक अभी कन्फ्यूज में है इसको, ये KYC को कैसा, इसका प्रोसेस कैसा है, सब कन्फ्यूज में है। तो उसको लेकर मैं पहुँची हूँ ये ऑल जीरो पे। तो चलिए शॉप मालिक से भी बात करते हैं एंड ऑफिसर जो सप्लाई ऑफिसर है उससे भी बात करते हैं, चलिए आपको ले जाते हैं। तो इसी तरह डिटेल जानने के लिए एफिदार के साथ बने। मेरा नाम परवेज आलम खान, फेयर प्राइस शॉप का नाम है बुला मिडिल पॉइंट FPS ऑल जीरो। तो ये जो बायोमेट्रिक का जो सिस्टम आप लोग, ये जो निकला है ऑफिस से आप लोग को रोल दिया है ना, हाँ, तो इसका सिस्टम को थोड़ा सा बता दीजिए आप पब्लिक लोग को। इसका सिस्टम वही है जो ये सबसे पहले ऑफिस में जा करके बायोमेट्रिक नंबर को उन लोग से लेना पड़ता है जो 12 डिजिट का होता है। ऑफिस से राशन कार्ड का ऊपर में बायोमेट्रिक नंबर को लिख देगा ना, उसके बाद में यहाँ में लाने से आधार कार्ड को लेके आना है साथ में, बायोमेट्रिक नंबर ऑफिस से लेने के बाद में आधार कार्ड को ला करके उसमें हम लोग सबसे पहले KYC यानी आधार सीडिंग करता है। आधार सीडिंग में का राशन कार्ड में जितना मेंबर है सब मेंबर का आधार कार्ड के साथ में आना है, सबका फिंगर लेना पड़ता है। उसका बाद में KYC जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब चावल जब हम लोग इशू करता है तो चावल इशू करने में वो जो कार्ड मेंबर जितना मेंबर का आधार सीडिंग किया है वहाँ से कोई एक मेंबर फिंगर लगा के उन लोग पूरा सबका चावल को उन लोग ले सकते हैं। बस वही करना है हम लोग, इतना ही तक हम लोग सिर्फ आधार सीडिंग और चावल इशू, इसके लिए मतलब हम लोग को बायोमेट्रिक मशीन दिया गया है, इतना ही हम लोग काम कर सकते हैं। अभी तक कितना पब्लिक आ चुका है, कितना कर चुका है? अभी तक हम लोग यानी 70-80 वो कर चुका है, जैसे एक मिनट आपको हम देख के बता देंगे। 75 पब्लिक को मतलब 75 राशन कार्ड को हम लोग आधार सीडिंग कर दिया है, जिसमें एक में किसी में 4-5 मेंबर भी है। अगर मेंबर को हिसाब किया जाए तो 200-300 मेंबर हो गया होगा, लेकिन राशन कार्ड जो आपको 75 राशन कार्ड को हम लोग KYC कर चुका है। तो जो राशन कार्ड में जो जैसे कि मेंबर है, ठीक है, तो उसका जो माँ पिताजी थोड़ा बुरा हो जाता है तो बच्चा लोग बाहर में स्कूल पढ़ता है तो वो सब चावल को कौन लेंगे? तो उसमें अभी जैसे कि अगर आपका राशन कार्ड में 5 मेंबर है एग्जांपल ना, उसमें से अगर माँ बूढ़ी हो गया, 2 मेंबर बाहर पढ़ रहा है, जो बाकी का जो 2 मेंबर जो यहाँ में रहता है उसका फिंगर से भी ऑल मेंबर का चावल को ले सकते हैं। तो बाकी सब कोई कोई होता है कि जीरो पे नहीं रहकर बाकी सब बाहर पे रहते हैं, तो वो सब चावल को क्या आप लोग देंगे या मतलब क्या करेंगे? टोटल मेंबर अगर जैसे कि राशन कार्ड से भी कोई भी एक मेंबर अगर यहाँ पे नहीं है तो जब तक हम लोग ये ऑफलाइन दे रहा हूँ तब तक तो दे पाएंगे, लेकिन जब ये बायोमेट्रिक से ऑनलाइन जब शुरू हो जाएगा तो उनको चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई भी चावल लेने वाला ही नहीं रहेगा। जबकि एक राशन कार्ड में एक भी चावल खाने वाला ही नहीं है तो उसको तो चावल दे नहीं पाएंगे। तो वो चावल को क्या कर सकते हैं? तो वो तो जब बायोमेट्रिक के थ्रू से ही हम लोग को चावल आएगा, जब बायोमेट्रिक में उसका कोई लिंक ही नहीं रहेगा तो चावल आएगा कहाँ से, उसका चावल को कौन खाएगा, चावल ही नहीं आएगा तो खाएगा कहाँ से। तो मतलब मेंबर के हिसाब से टोटल आप लोग का यहाँ पे चावल, हाँ, जब लास्ट में जब ऑनलाइन जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग का बायोमेट्रिक के थ्रू से ही चावल आएगा, जबकि बायोमेट्रिक में मतलब जितना मेरा क्वान्टिटी इशू होगा चावल भी उतना ही आएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अगर जिसको लगता है कि नहीं ले पाएगा बायोमेट्रिक से तो वो लोग यहाँ पे वो नहीं करेगा, नहीं कर लिंक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिसका जो जैसे कि 5 आदमी है उसमें एक भी अगर मेंबर यहाँ में चावल खाने वाला है लेने वाला है तो उसका फिंगर से मतलब हम लोग टोटल मेंबर का चावल को उनको मिल सकता है। तो जब KYC कर रहा होता है तब सब मेंबर को आना पड़ेगा या फिर नॉमिनी में जिसका भी नाम है जो भी आ सकता है? हाँ, जो भी नाम है KYC जब हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर जितना राशन कार्ड में 5 मेंबर या 10 मेंबर 6 मेंबर जो भी हो और टोटल मेंबर को KYC करना है, उसके बाद में बाकी मेंबर अगर बाहर जाना चाहता है तो जाओ, लेकिन जो यहाँ प्रॉपर चावल लेना है जिसको उसका फिंगर के लिए उसको रहना पड़ेगा यहाँ में चावल लेने। लिंक करा रहा होता है ना जी, KYC जब करा रहा जी तो सब मेंबर को आना पड़ेगा? हाँ, आप लोग तो सबको ही करना पड़ेगा कार्ड में जिसका नाम है, ऐसे अनोन आदमी आके फायदा नहीं है, लेकिन राशन कार्ड में जिसका नाम है वो हर किसी को आधार का साथ में अपना फिंगर लगाना है, तो यह 100% बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को ऑफिस से भी ऑप्शन दिया गया है
कि जब तक टोटल कंप्लीट नहीं होता है तो एक दो या तीन जो भी आदमी मेंबर मौजूद है उन लोग अपना फिंगर लगा के, और इसके बाद में जो मेंबर जो बाहर है, कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई बहुत दूर में है, तो वो लोग फिर जब जब जैसे आएगा, वेकेशन में आओ या किसी टाइम में आओ, वो फिर अपना उसमें ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें ज्वाइन कर सकता है उसमें। तब तक के लिए पब्लिक लोग को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्यों बहुत सा पब्लिक बहुत कंफ्यूज में है इसको लेकर, और कोई कोई बोलता है कि ये अच्छा भी है और अच्छा भी नहीं है, तो इसको लेकर आपको क्या एक कहना? तरफ से सोचा जाए तो ये सीधा सीधे ऑनलाइन होने से अच्छा भी होता है, और पब्लिक जो थोड़ा हेरसमेंट हो रहा है अभी नया नया में, जिसको कुछ पता नहीं है, और हम लोग को भी मशीन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, जो कि अभी थोड़ा सीखने मिल रहा है, धीरे धीरे जैसे पता चल रहा है, हम लोग सीख रहा हूँ, तो थोड़ा तो तकलीफ अभी हो रहा है। शायद हो सकता है कि पूरा कंप्लीट हो जाए और सिस्टमेटिक जब बन जाएगा तो उन लोग को भी आसान होगा और हम लोग को भी शायद बाद में आसान हो सकता है, लेकिन अभी के लिए बहुत तकलीफ़ है। हम लोग ये मशीन करने के लिए सुबह से शाम तक नेसेसरी भी बैठना पड़ता है यहाँ में, कि कोई आएगा उसको KYC करना है, तो तकलीफ तो अभी हम लोग को भी हो रहा है। तो इसका लास्ट डेट कब है? इसका लास्ट डेट अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, अभी हम लोग को काम करना है, क्योंकि ऑफिस से भी उन लोग का जो ना किसी का अपलोड हो रहा है, किसी का अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई अभी तक KYC ये जो बायोमेट्रिक नंबर ही नहीं मिला है, अभी नंबर लेने जा रहा है, तो उन लोग बारी बारी नंबर ले रहा है, आ रहा है, हाँ तो आ रहा है, तो उसको तो हमको कर देना पड़ेगा, इसलिए टाइम लिमिट दिया नहीं गया है अभी तक। जब ये कंप्लीट होने के बाद में सर लोग डिसाइड करेगा कि हाँ कब तक ऑफलाइन भी देते रहना है, कितना दिन तक, या अभी मशीन को फॉलो करना है, तो जब अगर उन लोग पूरा जब बायोमेट्रिक को फॉलो करो बोलेगा, जैसे कि अभी ऑनलाइन ही देना है, ऑफलाइन बंद करो बोलेगा, तब जो ऑफलाइन वाला को बंद कर देना पड़ेगा। तो ये जो आप लोग KYC जो कर रहा है, हाँ। जो अभी बुढ़ी बुढ़ा लोग जो बस्ती में बैठा हुआ है, तो आप लोग बस्ती में आप लोग जाकर वो कर रहे हैं ना अभी? नहीं, अभी तो यहाँ में कर रहा है, क्योंकि बहुत जगह से यहाँ में आदमी आ रहा है, तो हम लोग अकेला सिंगल आदमी है, अकेला ही है, तो अगर हम इसको मशीन लेके यहाँ जाएगा, फिर जो यहाँ आने वाला तो गुस्सा हो जाएगा ना फिर हमको, क्योंकि हम तो यहाँ में कंटिन्यू, यहाँ में हर जगह से आदमी आता है, कोई हापोली से आ रहा है, कोई बस्ती से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है ना, तो अगर हम इसको मशीन लेके पार्टिकुलर किसी एक जगह में हम चला गया, तो उस जगह का तो हम काम कर रहा होगा, लेकिन जो यहाँ में हमको कराने के लिए आ रहा है, वो लोग तो फिर आ रहे हैं, हम टाइम में यहाँ में आके बैठा हुआ है, तो हम क्यों तुम जहाँ तहाँ घूम रहे हो बोल के, हमको गुस्सा हो जाएगा ना फिर आदमी जो, इसलिए हम प्रॉपर एक ही जगह में बैठ के, और जो जहाँ से भी आ सकता है मेरे पास, क्योंकि पब्लिक 500 है, हम 500 का पास नहीं जा सकता है, लेकिन 500 हमारा पास आ सकता है, इसलिए हमको एक जगह बैठना ही सही है मेरे हिसाब से, और बाकी तो ऐसा अलाउ नहीं है कि हम लोग घर घर घूम के कहीं जाके करूं, या ऐसा कुछ ऑर्डर मिला नहीं है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है तो हम दुकान बंद करके जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर पब्लिक को हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह से जिसको खबर मिलता है कि बायोमेट्रिक हो रहा है, उन लोग चल के यहाँ तक आ रहा है, कभी कभी लाइन भी लगा चुका होता है, बहुत सारा लाइन लगा के बैठता है, उस समय अगर हम एक मशीन को लेके गायब रहेगा तो फिर उन लोग के लिए बहुत हैरेसमेंट होगा, तो इसलिए हम लोग कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि हाँ कहीं आप जाओ अपना घूमते फिरते रहो, क्योंकि मशीन लेके हम कहीं घूम भी रहा होता है, हो सकता है मालिक तो बोलेगा वहाँ जाओ, हम क्या 2-3 घंटा बस्ती भी घूम के आएगा, तो उसको क्या प्रूफ है कि हम कहीं काम कर रहे हैं ना कहीं घूम रहे हैं, इसलिए हमको प्रॉपर एक ही जगह पे बैठ के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आ सकता है, काम कर सकता है ना। सर जो अभी कोपरटिव में अभी जो राशन कार्ड को लेकर फिंगरप्रिंट का अभी जो आप लोग निकाल गया है जो उसको, तो उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन आया था, जो अभी NFSA का जो बेनिफिशरीज जो है उसका EKYC करना है उनके, तो EKYC करने के लिए ऐसा ऑर्डर आया था, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर निकाला था। तो EKYC इसलिए करना जरूरी है कि कोई कोई आदमी जो फेक आदमी होता है, तो कोई कोई आदमी अभी प्रेजेंस में अभी प्रेजेंटली अभी नहीं है, एक्सपायर हो गया, तो उसका नाम में भी कोई कोई राशन लेता है, तो इसके लिए उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि अभी भी वही आदमी है ही बोल के ना, इसलिए गवर्नमेंट EKYC करने के लिए ऑर्डर दिया था। सर वो तो ठीक है, पर जो यहाँ पर अभी जीरो पे अभी आपको हम पूछ रहे जीरो के लिए ना, तो जो जो माँ पिताजी जो मतलब बुरा होके बैठता है, तो उसका बच्चा जो बाहर में पढ़ता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? उसके लिए वही है, अभी ऐसा बात नहीं है कि पूरा का पूरा अभी ही करना है बोल के,
तो ये ई केवाईसी तो आपका गवर्नमेंट जो है हम लोग को डेडलाइन दिया गया है कि फेब्रुवरी लास्ट तक करना है बोल के ना। तो अभी जो जो प्रेजेंसली अभी स्टेशन में है उन लोग अभी कर लेना चाहिए, और उसका बाद में जो आउट ऑफ स्टेशन में है जैसे कि कोई स्टूडेंट कॉलेज में है स्कूल्स में है तो वो बाद में आने का बाद स्कूल वेकेशन में भी कर सकता है। ओके, तो तब तक के लिए जो चावल लेते रहेगा ना उनको नहीं मिलेगा? नहीं, चावल तो मिलते रहेगा, वो कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। जो केवाईसी नहीं किया? हाँ, जो केवाईसी जो नहीं किया गया है वो भी चावल मिलते रहेगा। तो लेकिन ई केवाईसी करना जरूरी है, तो अभी करो या बाद में करो, करना तो करना ही है। तो लेकिन फेब्रुवरी लास्ट तक जैसे भी करके रखना है, लास्ट डेट फेब्रुवरी। हाँ, फेब्रुवरी है तो फेब्रुवरी का बाद में भी जो जो लेफ्ट आउट है वो भी कर सकता है। तो सो ये ई के वाई सी करने के बाद अगर जो राशन कार्ड में जो फैमिली मेंबर्स का जो लिस्ट है तो उनमें से कोई भी वो चावल को राइस को वो ले सकता है? हाँ, जरूर ऐसा ले सकता। कोई ऐसा नहीं कि जिसके नाम से ही वही ले पाए? एनी वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ना हु आर इन द राशन कार्ड वो ले सकता है। ऐसा बात नहीं है कि जो राशन कार्ड होल्डर ही ओनली लेना है बोल के, ऐसा बात नहीं है। एनी वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स वो ले सकता है। ऐसा हो सकता है जैसे कोई आपका राशन कार्ड होल्डर ही मतलब कहीं आउट ऑफ स्टेशन है लेकिन उसका फैमिली मेंबर्स है स्टेशन में, तो वो फैमिली मेंबर्स भी वो ले सकता है। तो सर अभी जैसे कि कुछ ऐसा वो हो जाएगा कि कोई फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं है, जैसे कि उसका राशन कार्ड है वो यहाँ नहीं है, पूरा फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, तो उसका जो मंथली में जो राशन वो मिलता है क्या वो कैंसिल हो जाएगा या फिर उसका क्या ऑप्शन है? वो जैसे लास्ट मंथ ना एक मंथ का वो उनको एक ये ग्रेस पीरियड मिलेगा वन मंथ का। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका ये जनवरी महीना का कोटा है ना, तो जनवरी महीना का कोटा वो पूरा फैमिली आउट ऑफ स्टेशन होने का कारण से वो नहीं ले पाया है, लेकिन वो फेब्रुवरी में आ गया ना, तो फेब्रुवरी महीना में वो जनवरी का भी ले सकता है। हाँ, दो महीना का ले सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि महीनों भर का कोटा ना, तीन चार महीना का कोटा वो APS में एक्युमुलेट करके नहीं रखना है, क्योंकि उसको भी APS वाला लोग उसको केयर करना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोलॉन्ग स्टोरेज का कारण से वो वेस्टेज भी हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसका वेट भी आपका कमती हो जाता है, उसमें APS वालों को तकलीफ होता है। हाँ, वन मंथ का एक ग्रेस पीरियड तो आप अवेल कर सकता है। और आप इसको लेकर पब्लिक लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अभी वो पूछा है तो इसको लेकर आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को हम ये मैसेज देना है कि सब लोग जो PHH और AY राशन कार्ड होल्डर जो है सब लोग जो है आपका EKYC करना है, तो EKYC करने से आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पूरा फैमिली मेंबर अगर यहाँ नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जो प्रेजेंटली अभी दो तीन फैमिली मेंबर्स है वो करके रख लेना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स जो बाद में आपका स्टेशन में प्रेजेंस होगा वो कर लेना चाहिए।